एक और बजट 5G फोन आईकू G9X सेल चल रही है, तो सेल में बढ़िया प्राइस पे आप इसको खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अक्स टारगेट पे। बजट 5G सीरीज को जारी रखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया एक और बजट 5G फोन आईकू G9X। काफी अच्छे फीचर आपको मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर और प्राइस भी जबरदस्त है। सेल चल रही है तो सेल में और भी बढ़िया प्राइस पे आप इसको खरीद सकते हैं। ये वाला वेरियंट है 4 128 GB, इसमें दो और वेरियंट आते हैं, तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कैसा ये फोन। फिलहाल अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और एक बढ़िया सा कमेंट प्रोडक्ट और वीडियो की रिगार्डिंग। चलते विदाउट ओपन करते बॉक्स को, चेक करते हमारा ये आईकू G9X। तो ये ब्लैक कलर का बॉक्स आपको मिलता है आईकू की रिफ्लेक्टिव ब्रांडिंग के साथ। इस तरह इसका मॉडल और वेरिएंट मेंशन किया गया है। 4 GB 128 GB वाला ये वेरिएंट है, इसके अलावा दो और वेरिएंट आते हैं। बॉटम में इसके MRP वगैरह, बाकी यही थी बॉक्स डिटेल्स। फटाफट ओपन करते हैं इसको और चेक करते हैं इन बॉक्स कंटेंट्स। टॉप में ये रखा अपना आईकू G9 और बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ATPU केस। इसके बाद है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल, और भैया इसकी सिम इजेक्टर पिन। 44 वोट्स का चार्जिंग अडैप्टर भी साथ में मिलता है दोस्तों आपको। लास्ट में इसकी USB टाइप ए टू टाइप सी केबल। तो बस ये थे इनबॉक्स कंटेंट्स, सारी चीज़ें रखते वापस हो रहे। चेक करते हमारा आईकू G9X। और भाई साहब क्या डिजाइन है दोस्तों, ये कलर है टोर्नेडो ग्रीन और टोर्नेडो का ही जो आपको इस पर डिजाइन देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखिए जबरदस्त ये लग रहा है देखने में। मैट फिनिश आपको बैक मिलती है। यहाँ पर है आईकू की ब्रांडिंग। ये इसका कैमरा मॉड्यूल, LED फ्लैश। राइट साइड में इसका वॉल्यूम रोकर और पावर ऑन एंड ऑफ बटन, फिंगरप्रिंट सेंसर। टॉप में कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड में इसकी सिम ट्रे, इसको भी चेक करते हैं। हाइब्रिड सिम ट्रे है, यानी कि एट ए टाइम या तो आप दो सिम यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD इसमें यूज कर सकते हैं। बॉटम में है 3.5mm जैक, माइक, USB टाइप सी पोर्ट और ये स्पीकर ग्रिल। बाकी यही था इसका एक ओवरव्यू। ऑन करते हैं इसको और चेक करते हैं अदर फीचर्स। और जब तक ये ऑन होता तब तक इसका वेट भी चेक कर लेते हैं। 199.9 ग्राम का ये फोन है, तो ज्यादा वेट नहीं है दोस्तों। जितनी इसमें बैटरी दी गई है उस हिसाब से ज्यादा वेट नहीं है इसमें। तो यह आउटर लुक देख ली, इसकी वेट भी चेक कर लिया। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली LCD डिस्प्ले। 120Hz रिफ्रेश रेट है और 1000 nits का पीक ब्राइटनेस है। ये देखिए काफी ब्राइट जो है स्क्रीन मिलती है दोस्तों आपको। आउटडोर में भी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसको। बेजल वगैरह जो है काफी थिन है, ये देखिए पतले बेजल है और चिन भी कम है। पंच होल डिस्प्ले है, बड़ी जबरदस्त डिस्प्ले लग रही है दोस्तों। कलरफुल है, शार्प है। इसके सैंपल प्ले करता हूँ मैं, उससे आपको बेहतर पता चलेगा डिस्प्ले की क्वालिटी का। 4K 60fps पे आप वीडियो प्ले कर सकते हैं दोस्तों YouTube पे, और कुछ ऐसी जो वीडियो क्वालिटी इसकी। देखा आपने, शार्प कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले है दोस्तों। अब चेक करते हैं इसका रिफ्रेश रेट। तो फिलहाल ये स्मार्ट स्विच पे, इसको करते हैं स्टैंडर्ड पे। और ये देखिए स्टैंडर्ड पे जो है थोड़ी स्लो हो गई है स्क्रीन। अब करते हैं इसको 120Hz पे, और 120Hz पे करते ही स्क्रीन बिल्कुल स्मूथ और फास्ट हो जाती है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन कलर मोड भी है, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल और ब्राइट पे आप स्विच कर सकते हैं। तो बस ये थी इसकी डिस्प्ले। अब बात करते हैं ऑडियो की। ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी रहने वाली है दोस्तों इसकी, क्योंकि डुअल स्पीकर सेटअप है और साथ में वॉल्यूम बूस्टर भी है इसमें। 300% तक जो है वॉल्यूम बूस्ट हो जाती है इसकी। और साउंड क्वालिटी के अंदर और भी फीचर्स हैं, जैसे कि ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन, इसको कर दिया मैंने ऑन। सुपर ऑडियो है जिसमें 4 जो आपके पास इक्विलाइजर है, स्मार्ट, मूवीज, गेम्स और म्यूजिक। अब फटाफट ऑडियो सैंपल जो प्ले करता हूँ मैं। तो सुना आपने, जबरदस्त ऑडियो आउटपुट है दोस्तों, लाउड और क्लियर जो है आपको आउटपुट मिलता है इसमें। और भैया इसका कैमरा सेटअप 50 MP का मेन कैमरा और 2 MP का AI कैम। यहाँ पर इसकी LED फ्लैश। कैमरा की लुक भी अच्छी लग रही है दोस्तों, बम्प भी ज्यादा नहीं है। फ्रंट में है 8 MP का सेल्फी कैमरा। ये इसका यूजर इंटरफेस, लगभग सारे मोड मिल जाते हैं दोस्तों आपको, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट, वीडियो। और मोड के अंदर प्रो मोड भी है, 50 MP का भी मोड है। डॉक्यूमेंट, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p
भी 30 FPS पे ये देखिए 4K 60 FPS का कोई सपोर्ट नहीं है इसमें। स्टेबलाइजेशन भी है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। कैमरा क्वालिटी अच्छी है दोस्तों, कैमरा सैंपल भी आप देख लीजिए इसके। दोस्तों ये इसकी वीडियो क्वालिटी 1080p 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट और रियर दोनों से ही। और इसमें आपको डिजिटल स्टेबलाइजेशन का मोड भी मिलता है जो कि फिलहाल ऑफ है, इसको ऑन करके भी आपको एक सैंपल में दिखाता हूँ। और दोस्तों स्टेबलाइजेशन ऑन हो चुकी है और इसमें जो है फ्रेम क्रॉप होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम डिस्टेंस से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। बताइए आपको कैसी लग रही है इसकी कैमरा क्वालिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम है फन टच 14 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे। अपडेट की बात करिए तो 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी आपको और 3 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट इसमें आने वाली है। प्रोसेसर दिया गया स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 5G चिपसेट। अब चेक करते हैं इसकी रैम और स्टोरेज। तो 4GB इंटरनल मेमोरी है दोस्तों इसमें, अप टू 4GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं वर्चुअली। 128GB में से 23.42GB यूज्ड है और 90 से 95 GB जो आपको फ्री स्पेस मिलता है इसमें। और भी 6000 mAh की मैसिव बैटरी आपको मिलती है इसके अंदर विद 44W चार्जिंग सपोर्ट। चार्जर बॉक्स में दिया गया है और बैटरी हेल्थ का भी फीचर दिया गया है दोस्तों। ये देखिए बैटरी हेल्थ जो है चेक कर सकते हैं आप इसकी यहाँ पर। 5G कनेक्टिविटी दोस्तों, वाईफाई 5 है और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 आपको इसमें मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों, ये भी अच्छा वर्क करता है। ये देखिए टैप करते ही अनलॉक हो जाता फ़ोन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलते हैं इसमें, जैसे कि डायनेमिक इफेक्ट्स। यहाँ पे आप जो है एनिमेशन चेंज कर सकते हैं, चार्जिंग एनिमेशन, अलग अलग एनिमेशन दिए गए हैं, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा गेम मोड भी है दोस्तों इसके अंदर और मॉन्स्टर मोड भी आपको मिलता है, जिसको ऑन करने पर बैटरी जो है ज़्यादा ड्रेन होगी, हीट भी होगा फ़ोन। बाकी यही था इसका एक ओवरव्यू। अच्छा डिज़ाइन आपको मिलता है दोस्तों ये देखिए, और थिकनेस भी ज़्यादा नहीं है इसकी, 7.99 mm इसकी थिकनेस है। अच्छे से आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट है। प्राइस की बात करें तो हमने इसको परचेज किया है 12,500 रुपये में और अब सेल चल रही है तो सेल में इसका प्राइस और भी ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है। जाइए फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो यही थे कुछ फर्स्ट इंप्रेशंस हमारे इस IQ G9X के। अच्छी लुक्स आपको मिल जाती है दोस्तों, क्वालिटी भी बढ़िया है इसकी। परचेज करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सेल चल रही है तो सेल में बढ़िया प्राइस पे आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट और वीडियो कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।